लोग कहते हैं कि राजा बड़ा नहीं होता, कौन बड़ा होता है? प्रजा। नेता बड़ा नहीं होता, लोकतंत्र में कौन बड़ा होता है? लोग बड़े होते हैं। लेकिन मेरा मानना अलग है। मेरा यह मानना है वो लोग सबसे बड़े होते हैं जो प्रार्थना करने वाले और उपवास करने वाले होते हैं, क्योंकि जो बिना प्रार्थना और उपवास वाला है वो तो कुछ एक आध कुछ जाके कर आएगा कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन जब एक व्यक्ति भी प्रार्थना और उपवास वाला है वो लाखों चीजों का रिजल्ट चेंज कर सकता है। हालेलुया। तो आपकी प्रेयर्स कितनी पावरफुल हैं ये आपको अब अंदाजा हो चुका होगा। हो गया कि नहीं हुआ, समझ आ गई आपको कि आपकी प्रेयर्स ने सब कुछ चेंज कर दिया? आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरी प्रेयर सचमुच परमेश्वर सुनता है उसे। वचन कहता है कि एस्तर ने कहा, जब राजा ने आज्ञा निकाल दी, किसी विरोधी ने कहा कि ऐसी ऐसी जाति है एक, ये ना तो लंगर खाती है ना प्रसाद खाती है, और ना ही किसी और परमेश्वर को मानती है, इनको मार दो। राजा ने कहा अच्छा ऐसी प्रजा हमारे बीच में है? कहता हाँ राजा, हो सकता है कल को तेरे खिलाफ खड़े हो जाएं। कहता ठीक है, तू क्या चाहता है? उसे कहा मैं चाहता हूं कि तू इन्हें मार दे। राजा ने अंगूठी दी और कहा जो तेरा दिल करता तू कर ले। पढ़ा है बाइबल में? अपने हाथों को उठाओ, बाइबल को उठाओ, बोलो जो वचन मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु के नाम में। एस्तर 3 उसकी 11-13 आयत में लिखा है, और राजा ने हमान से कहा वो चांदी तुझे दी गई है और लोग भी, तू जैसा चाहे वैसा व्यवहार उनसे कर। जो उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए हमान की आज्ञा के अनुसार राजा ने सब अधिपतियों, प्रांतों के प्रधानों, देश देश के लोगों के हाकिमों के पास चिट्ठियां लिखी छाप लगाकर। क्या चिट्ठी थी? 13 आयत में लिखा, राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या यहूदी, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए, उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। एस्तर 4 उसकी 1 आयत में लिखा है, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या आज्ञा निकली है तो वो वस्त्र फाड़ कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाने लगा। तब मोर्दके ने एस्तर के पास कहला भेजा। ये एस्तर जो रानी थी, मोर्दके की एक तरह की बेटी थी, उसकी दूर की बहन जो उसने पाली थी और वो रानी बन गई थी उसी की कृपा से, क्योंकि वो उसका मेंटर था। और उसने जाके कहा कि जब एस्तर के पास पहुंच और उससे कहे कि तू मन ही मन विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण यह सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि तू जो इस कारण इस समय चुपचाप हो रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा तो और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तर ने मोर्दके के पास जाकर कहा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ पियो, मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर आऊंगी, यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। एस्तर 5:1-8। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई और राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना।
और रानी ने कहा राजा के पास जाके, तो रूल ये था कि जब एक राजा गद्दी पे बैठा है तो कोई भी उसकी आज्ञा के बिना पास नहीं आ सकता, अपॉइंटमेंट लो तो आ जाओ, ऐसा सिस्टम था। तो वचन कहता है कि वो बिना अपॉइंटमेंट उसके भवन के बाहर खड़ी होगी, उसके रूम के। ये मालूम था उसको कि राजा मेरे प्राण भी ले सकता है, पर वो रोजों में गई थी। कैसे गई थी? उपवास में गई थी। राजा ने कहा इसको अंदर आने दो, अंदर गई। उसने कहा राजा एक विनती करने आई हूं। क्या विनती करती? कि तू मेरे पास खाने के लिए आएगा। उस दिन दूसरा रोजा था। राजा ने कहा ठीक है मैं खाने के लिए आऊंगा। तब 6 आयत में लिखा भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था तब राजा ने एस्तर से कहा तेरा क्या निवेदन है वो पूरा किया जाएगा। तो क्या मांगती है? मांग आधा राज्य तुझे दे दूंगा। एस्तर ने कहा मेरा निवेदन जो मैं मांगती हूं वह ये है, यदि राजा मुझसे खुश है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वो देना चाहता है तो राजा और हमान कल उस भोज में आए जो मैं उनके लिए रखूंगी। कहती अगर तुम मुझसे खुश है, मुझे आधा राज नहीं चाहिए, कल मेरे पास खाने के लिए फिर आना। और उसने क्या पिया था? 6 आयत में क्या लिखा है पढ़ो। 6 आयत में भोजन के समय क्या पी रहा था? क्या होता है ये? एल्कोहल वाली ड्रिंक, शराब बोलते जिसको। क्या पी रहा था राजा? राजा मसीह में नहीं था, परमेश्वर का नहीं था, अन्य जाति राजा था। ये रानी मसीह में थी और राजा के किसी खास बंदे ने कपट के साथ ये आज्ञा निकाल दी, क्योंकि वो यहूदियों से नफरत करता था, कि सारे यहूदी एक दिन में मार दिए जाएं। जब मूर्ति को बात मालूम हुई तो उसने रानी से कहा कि तू अंदर जो गई है ना राजगद्दी के ऊपर बैठी है, शायद परमेश्वर ने तुझे भेजा है, अब आलसी मत होना। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोग देखे हैं जिनको परमेश्वर ने पॉलिटिकली बड़ा बढ़ाया है, लेकिन जब क्रिश्चियन लोगों के लिए खड़े होने का समय होता है वो चुप रहे, परमेश्वर ने गद्दी से उतार दिया उसको। क्रिश्चियन लोगों को गद्दी किसी काम के लिए मिलती है, अपने लोगों के लिए खड़े करने होने के लिए मिलती है। क्रिश्चियन लोगों का डिमांड राज करना नहीं है, उनकी डिमांड होती कि हम परमेश्वर के काम कर पाए, हेल्प कर पाए लोगों की, क्योंकि यीशु ने कहा हमारा राज यहां का नहीं। हालेलुया। वचन कहता उसने शराब पी, लेकिन 6 बाप में लिखा उस रात राजा को नींद नहीं आई। कभी सुना ऐसा कि फुल शराब पी है राजा ने और नींद नहीं आ रही? तो शराबी को तो ऐसे होता है कि उसको तो मतलब नाली के किनारे गिर पड़ता, वो कुत्ते उसका मुंह चाट रहे होते हैं, होता है कि नहीं, देखा है कि नहीं, उसको तो होश नहीं होती। अगर इतनी शराब नहीं पी, उसने ज्यादा पी ली फिर भी, तो सो तो वो जाता ही है, लेकिन बाइबल कहती राजा को उस रात नींद नहीं आई। रीजन क्या था? वो रोजे, वो प्रार्थना जो सारे यहूदी और एस्तर मिलके कर रहे थे। नेचर के खिलाफ, एटमॉस्फेयर के खिलाफ परमेश्वर ने काम किया। जबकि उस रात वो क्यों लिखा वचन में कि वो दाख मधु पी के गया? इसका रीजन है लिखने का कि वो फर्मेंटेड, वो एल्कोहल वाली ड्रिंक्स पी के गया, ताकि ये मालूम हो कि उस रात नींद ना आने का कारण क्या है। ऐसा नहीं लिखा कि कॉफी पी के गया कि भाई साहब कॉफी पी ली नींद नहीं आई, कि चाय ज्यादा पी ली तो कब नींद नहीं आई। लिखा वो शराब पी के, मदिरा पी के, दाख मधु पी के। दाख मधु और दाख रस फर्क है। जहां दाख मधु आया वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी के वो गया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। शराब पी के भी नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई उसने कहा ऐसा करो, रिकॉर्ड निकालो। तो बाइबल कहती है
इतिहास की पुस्तक कहता लाई जाए और पढ़ के राजा को सुनाई जाए। तो उसमें लिखा हुआ मिला कि एक बंदा है मोर्द के नाम का, जब तेरे खिलाफ दो बंदे तुझे मारने का प्लान कर रहे थे तो मोर्दके ने उनका प्लान जाहिर कर दिया था और तुझे बचा लिया था। कहता अच्छा इतनी बड़ी बात हो गई, तो फिर क्या किया मोर्दके का? उसको कोई पैसा दिया, कोई घर दिया, कोई जमीन दी, कुछ उसको ऊंचा किया, उसके बदले में उसको क्या दिया? कहते कुछ नहीं दिया। कहते उसको बुलाओ। वो वही मोर्दके था जो एस्तर का भाई था, एस्तर का, एस्तर को पालने वाला। देखो रोजे क्या कर रहे थे, रोजे प्रार्थना क्या कर रही थी, देखा सारा कुछ बदल रही थी परमेश्वर के लोगों के हक में। और उधर नमान जो दुश्मन था, एक फांसी का फंदा बनवा के लेके आया कि आखिरी दिन जो होगा ना भोज का, मैं राजा को बोलूंगा कि एक बंदा है मूर्त के, मेरे को पसंद नहीं, उसको मैं फांसी पे लटकाना चाहता हूं। रानी के कहने के अनुसार राजा फिर तीसरे दिन उसके पास गया और रानी ने कहा मैं एक हुक्म आज्ञा तो उससे मांगती हूं कि मेरा प्राण और मेरे लोगों का प्राण बचा लिया जाए। ये तीसरा दिन था, रानी ने ना तो कुछ खाया था ना तो कुछ पिया था। राजा उससे, राजे के दिल में उसके प्रति प्यार परमेश्वर भर रहा था। उसने कहा क्या चाहिए तेरे को? उसने कहा वो लोग जो मेरे हैं, मैं भी नाश हो जाऊंगी अगर उनका नाश हुआ। राजा को गुस्सा आ गया, किसने किया ये सारा कुछ? इसी दुष्ट हमान ने जो तेरे साथ बैठा खा रहा है। राजा जब क्रोध में ऐसे गया दूर, गुस्सा आ गया उसको, दूर चला गया। और पीछे जो हमान था उसने सोचा कि अब उन पैर फाड़ लो रानी दे, उन बचाते होना नहीं। जैसे वो रानी के पैर पकड़ने गया, जब राजा मुड़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो रानी के ऊपर कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम करने की आंख से गया। उसको और गुस्सा आया। कहता बाहर जो ये फांसी का फंदा लेके आया है ना मोर्दके के लिए, उस फांसी के फंदे पे इसी को लटका दो। और हुआ क्या, सारे राज में चिट्ठियां फैला दी गई कि कोई यहूदी उस दिन मारा नहीं जाएगा। और जितने प्लान कर रहे थे कि इस दिन इनको मार देंगे, मोहल्ले में कुछ गुंडे लोग होते हैं ना, मालूम होता है कि ये गुंडा बिरादरी, गुंडा लोग हैं, ये गुंडे हैं सभी, ये सब प्लान कर रहे हैं। यहूदियों को पता था किन किन लोगों ने प्लान किया, जो प्लान कर रहे थे सारे मारे गए उस दिन, और सारा यहूदी कौम बचाई गई फास्टिंग प्रेयर। हालेलुया, ऊंची आवाज में नारा मारो जरा। मेरी लाइफ का जब छुटकारा नहीं हो रहा था एक चीज से, मैंने 8-8 घंटे रोज प्रेयर्स की, 8 घंटे। दुखी हो जाता था प्रेयर कर करके, मैं इतनी प्रेयर सोचता कि सही है भी है कि नहीं है, शक शक आता था दिमाग में। लेकिन आप छुटकारा चाहते हैं आधे घंटे की प्रार्थना से। आपका केस इतना बड़ा है, मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं करता, मेरी फैमिली खराब है, हमारा फाइनेंस खराब है, प्रेयर कितनी है जी? आधा घंटा। जब 3 दिन रात रोजे रखे, पानी नहीं पिया, परमेश्वर ने राजे का मन बदला, नींद नहीं आई, इतिहास की पुस्तक निकाली गई, हर एक चीज उनके फेवर में चलती गई। कभी प्रार्थना करके देखा है? रोज उपवास करके देखे हैं? रोज कि हफ्ते में 2 उपवास करने हैं, रोज कम से कम 3 घंटे प्रार्थना करनी, 2.5 घंटे तो विश्वासियों के लिए है जिन्होंने अच्छा जीवन बिताना है, बंधनों से निकलना है तो उससे ऊपर प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? नींद नहीं आई, दाख मधु पी गए, 6 आए दोबारा पढ़ो। कहता उस भोज में राजा ने दाख मधु पिया, उस रात राजा को नींद नहीं आई। पिछली वाली आयत पढ़ेंगे दाख मधु वाली। भोज के समय दाख मधु जब पिया जाता था तो राजा ने एस्तर से कहा तेरा क्या निवेदन?
ऐसा भी तो लिख सकती थी बाइबल कि भोजन के समय राजा ने कहा तेरा क्या निवेदन है, लेकिन दाख मधु का जिक्र किया गया है स्पेशली। ये राजा मसीह में नहीं था, परमेश्वर को नहीं मानता था। ये बताया गया कि वो शराब पी रहा था उस समय, उसके बावजूद भी उस रात उसको नींद नहीं आई। आपको क्या लगता है क्यों नहीं आई? आपको मालूम है कल आपका कोर्ट में केस है, परसों आपके कोर्ट की तारीख है, आपको फास्टिंग उपवास में प्रार्थना में जाना चाहिए, देखो रिजल्ट आता है कि नहीं। आपने कुछ गुनाह भी किए हो, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, सजा कम से कम कर देगा, जल्दी छुड़ा देगा, वो देखो तो सही। लेकिन दो दिन पहले तो आप ब्लू फिल्म देख रहे हैं, दो दिन पहले तो आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, आप परसों मेरी तारीख किया, यार बहुत टेंशन है यार, लाइन यार दो पैक पैक से टेंशन दूर नहीं हो। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं उन्हें मालूम है ये मसला भी खड़ा हो रहा है, ये मसला खड़ा हो रहा है, मुझे प्रेयर करनी है, ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही, मुझे प्रेयर करनी है, मेरी लाइफ में ये छुटकारा नहीं आ रहा, मुझे प्रेयर करनी है, मेरी फैमिली में उद्धार नहीं आ रहा, मुझे प्रेयर करनी है, सेवकाई में ग्रोथ नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, मुझे प्रेयर करनी है। आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर पे, उस प्रेयर के मुताबिक आपके रास्ते खोलेगा। आप लाख कोशिश कर लो, राजा की नींद रोक सकती थी वो? कितना भी राजा अपनी पत्नी से प्यार क्यों ना करता, उसकी नींद नहीं रोक सकती थी वो। शराब पी तो उसने सोना है, ये 100% है। लेकिन वचन कहता है, फिर से पढ़ेंगे, उस रात राजा को नींद नहीं आई, शराब पीने के बावजूद नींद नहीं आई। कई लोग घरों में पतियों से बाप से पूछते हैं क्यों पीने, मैं नींद नहीं आती, पी के मैं सो जाना, बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं ना। पर देखो राजा इतने पैक लगाया, बेचारे को नींद नहीं आई। स्वर्ग दूत जब दिमाग हिलाता है तो नींद नहीं आती। जब आप फास्टिंग और प्रेयर करते हैं, हेवन दूत आपके ऊपर भेजे जाते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आप एक मैग्नेट बन जाते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स का। सारी आपके आसपास की दुनिया आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती है जब आप प्रार्थना और उपवास करते हैं। एक पाप में घुसा हुआ बंदा और बंदी प्रार्थना नहीं कर सकता। उन्हें बताएं उनके जीवन में पाप है, उनके जीवन में कमी है, उनके जीवन में रिलेशनशिप्स हैं, गलतियां हैं, वो प्रार्थना करेंगे, उनको मालूम है परमेश्वर सुनेगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पवित्र बन, जिस तरह तरह बुलाने वाला पवित्र है। जब आप पवित्रताई में होंगे और प्रार्थना में होंगे और उपवास रखेंगे, आपकी सुनी जाएगी, 100% सुनी जाएगी, कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि आपकी सुनी ना जाए। मसले बड़े बड़े हैं, प्रार्थना छोटी है। मसले बहुत बड़े, बेटा नहीं, बच्चा नहीं हो रहा जी 30 साल से, प्रार्थना कितनी है? आधा घंटा। आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, लंगड़े चलाना चाहते हैं, प्रेयर कितनी है? 1 घंटा। तुम्हारे पास पीने के लिए अगर 1 गिलास पानी है, या तो तुम पी सकते हो या दूसरा पी सकता है, लेकिन अगर मेरे पास एक पूरा वाटर कूलर होगा तो मैं भी पीऊंगा, लोगों को पिलाऊंगा। पानी तो 1 गिलास है, अभी 1 घंटे से या तो तुम चलोगे या लोगों को चलाओगे। तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही, तुम्हारी जरूरतें आत्मिक पूरी नहीं हो रही, तुम लोगों की कैसे पूरी करोगे? रोज रात को शाम को मैंने बैठ जाना प्रार्थना पे, और 4 से 5 से 6 घंटे उस समय, उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर करनी रोज घंटों। मेरे छुटकारे से पहले परमेश्वर ने मुझे घंटों रोज प्रार्थना में बिठाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के सुंदर कलाम के लिए, पावरफुल कलाम के लिए सब जन खुदा की महिमा करे, सब जन बड़ाई करे उस जीवते परमेश्वर की। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, वो अद्भुत है, वो जलाली परमेश्वर है, वो छुड़ाता आया है और आज भी वो छुड़ाता है अपने लोगों को। हालेलुया। जो लोग विश्वास के साथ उस सच्चे जीवते परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर उनकी पुकार को सुनता है, उनकी दुहाई को सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। हमने आज वचन में से जाना खुदावंत के प्यारे लोगों की एस्तर जो रानी थी,
जब उसने उपवास रखे 3 दिन और 3 रात के, जब वो प्यासी रही, भूखी रही, तो वो परमेश्वर के सन्मुख गई, तो परमेश्वर उसकी दुआ को सुन लिया, कबूल कर लिया। खुदावंत के प्यारे लोगों, वहाँ हम देखते हैं कि एस्तर केवल अपने लिए नहीं मांग रही है, वो दूसरों के लिए भी मांग रही है, वो अपनी कौम के लिए मांग रही है परमेश्वर के आगे, और भूखी रहती है। आपका भूखा रहना, आपका एक उपवास ना जाने कितनी जिंदगियों को बदल देता है, आपका उपवास ना जाने कितने के बंधनों को तोड़ देता है, आपकी प्रार्थना ना जाने कितने के घरों में खुशियां लेके आता है। हालेलुया, ये वचन में से हम देखते हैं एस्तर ने केवल अपना बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी यहूदी कौम को बचाने के लिए उपवास रखा, और जब वो रख रही थी तो परमेश्वर ने अद्भुत जलाली हाथ उसे दिखाया, वो रानी भी रही, उसे कोई आंच भी ना आई, उसका सम्मान भी बढ़ा, और परमेश्वर ने पलटा भी लिया, जो उसके विरोधी थे परमेश्वर ने उनका मुंह काला किया, और सब यहूदी लोग बचाए गए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम में। आमीन, हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर के साथ नाता बनाना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना हमारे ही जीवन में आशीष और बरकत लेके आता है, हमें ही शांति देता है, हमें ही आराम देता है। हालेलुया। तो आप सबको मैं कहना चाहती हूँ, खुदावंत के प्यारे लोगों, प्रार्थना और उपवास करना ना छोड़े। खुदा के दास ने अपनी गवाही को भी दिया है कि जब जब मैं प्रार्थना करता था, उपवास करता था, मेरे साथ क्या होता, जब मैं उपवास करना छोड़ देता तब क्या होता था। तो ये गवाहियाँ हमें इंक्रीज करती है कि हमें प्रार्थना और उपवास में लगे रहना, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, हम शैतान का सामना करें और अपनी गवाहियों को ले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। हालेलुया। विश्वास है आज की वीडियो के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है। लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में सदा आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शैतान को यीशु नाम में रुलाते रहें। जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।